आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर है। सुभाष चंद्र बोस अमर है, अमर है। जी अमर है, अमर है। सुभाष चंद्र बोस जी अमर है, अमर है। जरा के पीछे ये देखो, आजाद हिंद फौज। चलो जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जी अमर है, अमर है। सुभाष चंद्र बोस जी अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा सुभाष जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सुभाष जी का नाम रहेगा। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। चंद्र बोस जी की जयंती पर जम्मू जिला की तरफ, भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से जहां उनकी जयंती पे सबने फूल माला चढ़ाई और सब एकत्रित होकर सुभाष चंद्र बोस जी की कामना कर रहे हैं। उनको भगवान स्वर्गों में बसा दे, वो हमेशा अमर हैं, अमर रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आप मुझे खून का एक कतरा दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। वही आज़ादी की जो आज स्वर्ग में हम जहां भोग रहे हैं, वही आज़ादी हम जहां भोग रहे हैं। मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की उस आज़ाद हिंद फौज की वजह से ही भारत आज़ाद हुआ। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और देश जो है वो एक खुशी की लहर में है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है भारत को विश्व गुरु बनाने की लड़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को कल रामलला जी की अयोध्या में स्थापना हुई। 500 साल टेंट में रहने के बाद उनको कल अयोध्या में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ उनको विराजमान करवाया गया। और मुझे लगता है कि अब भारत में राम राज्य की स्थापना हुई है और आने वाले समय में भारत में वही राज करेगा जो राम राज्य की स्थापना करेगा और राम जी के आदर्शों पर जो चलेगा वही स्थापना किया। मैं पुनः आज के दिन सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करता हूं और उनकी जो आज जयंती है उस पर हम नमन करके यहां आई फूलमाला की। मेरे साथ मेरे जिला की पूरी टीम, मेरे महामंत्री, मेरे पदाधिकारी, मेरे मंडलों के अध्यक्ष सभी ने एकत्रित होकर आज जहां उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं पुनः यही कहूंगा कि हमारा भारत में सभी लोग सुभाष चंद्र बोस की जो बताया हुआ रास्ते पर चलें तो यही हमें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।